गुड मॉर्निंग एवरी वन। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश ग्रामर। आवर टॉपिक इज वर्ब वन विथ प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इसका एक्सरसाइज का डबल आई नंबर डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस क्लास में इसका एक्सरसाइज का आई नंबर डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए क्या है डबल आई नंबर पर। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फाइव वेज एज शोन इन द एग्जाम्पल। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को देखकर उसका फाइव टू सेंटेंस बनाना है अलग अलग तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। तो पहले देखिए एग्जाम्पल क्या है। दे लाइक दिस बुक, वो सारे इस बुक को लाइक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे और एक सेंटेंस इसमें डू ऐड करेंगे। दे डू लाइक दिस बुक, वो सारे इस बुक को क्या पसंद करते हैं। डू क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो डू यूज़ होगा, अगर सिंगुलर होता तो इसमें डज यूज़ होता। उसके बाद हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या ऐड होगा, नॉट ऐड होगा। दे डू नॉट लाइक दिस बुक, वो सारे इस बुक को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद हमें उसको ये सेंटेंस को, जो डू लगाकर जो सेंटेंस था उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, डू जो है पहले चला आएगा। डू दे लाइक दिस बुक, क्या वो इस बुक को पसंद करते हैं, वो सारे इस बुक को पसंद करते हैं। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म था ये सेंटेंस हम बनाए थे, दे डू नॉट लाइक दिस बुक, जो नॉट ऐड हुआ था उसको फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, डू जो है पहले आएगा। डू दे नॉट लाइक दिस बुक, वो सारे इस बुक को पसंद नहीं करते हैं क्या। तो ठीक इसी तरह हमें एक सेंटेंस को फाइव वेज में लिखना है, जैसे कि नीचे दिया गया सेंटेंस है उसको पाँच तरीके से हमें लिखना है। देखिए पहले नंबर वन पर क्या है, गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां क्या करते हैं अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, डू यूज़ करना है पहले। गर्ल्स डू वेस्ट देयर टाइम, इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि गर्ल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में डू यूज़ होता है। अगर सिर्फ गर्ल होता, एस नहीं लगा होता, तो इसमें डज यूज़ होता। गर्ल्स डू वेस्ट देयर टाइम, लड़कियाँ अपना समय बर्बाद करते हैं। उसके बाद हमें और एक सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में लिखना है नॉट यूज़ करके। गर्ल्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां अपना टाइम यानी कि समय बर्बाद नहीं करते हैं। उसके बाद और एक सेंटेंस क्या होगा, डू जो हम यूज़ किए थे पहले सेंटेंस में, इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो डू जो है पहले चला आएगा। डू गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम, क्या लड़कियां समय बर्बाद करते हैं। उसके बाद और एक सेंटेंस क्या होगा, डू नॉट जो ऐड किए थे हम, ये डू नॉट को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है जो नेगेटिव सेंटेंस था। तो क्या होगा, डू जो है पहले चला आएगा। डू गर्ल्स नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्या लड़कियां अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्या। नेक्स्ट नंबर टू, स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे क्या रात में चमकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है और चार तरीके से लिखना है। तो क्या होगा, डू पहले हम डू यूज़ करेंगे। स्टार्स डू शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। तो इसमें डू यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि स्टार्स यानी कि एस लगा है तो बहुत सारे तारे हैं, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में डू यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है। स्टार्स डू शाइन एट नाइट। नेक्स्ट और एक सेंटेंस क्या होगा, हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, नॉट। स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, तारे रात में नहीं चमकते हैं। उसके बाद और एक सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। जो पहले सेंटेंस था डू यूज़ किए थे, तो डू को पहले ले आएंगे। डू पहले आएगा। डू स्टार्स शाइन एट नाइट, क्या तारे रात में चमकते हैं क्या। इसके बाद डू नॉट जो यूज़ किए थे, और एक सेंटेंस क्या होगा, जो पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किए थे स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट को, पहले डू चलाएगा। डू नॉट स्टार्स शाइन एट नाइट, क्या तारे रात में नहीं चमकते हैं क्या। नेक्स्ट नंबर थ्री, दे डिग वेल्स, तो इस सेंटेंस को और चार तरीके से हमें यूज़ करना है। तो क्या होगा, पहले डू यूज़ करेंगे। दे डू डिग वेल्स, इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि दे यानी कि पहले से प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसमें डज यूज़ होता, तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है। उसके बाद और एक सेंटेंस इसका क्या होगा, इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, डू नॉट यूज़ होगा। दे डू नॉट डिग वेल्स, वो सारे वेल को यानी कि कुएं को नहीं खोद रहे हैं। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सेंटेंस क्या होगा,
डू जो पहले यूज़ किया गया था दे डू डिग वेल्स को, उसका डू जो है पहले चला आएगा, तो क्या होगा डू दे डिग वेल्स, क्या वो सब कुआँ खोद रहे हैं क्या। उसके बाद और क्या होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस हम यूज़ किए थे उसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा डू जो है पहले चलाएगा, डू दे नॉट डिग वेल्स, क्या वो कुआँ नहीं खोद रहे हैं। नंबर फोर, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम सब इवनिंग में फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम और चार तरीके से सेंटेंस बनाना है, तो क्या होगा पहले हम इसमें डू यूज़ करेंगे, वी डू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डू यूज़ किया, अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इसमें डज यूज़ होता। और क्या होगा सेंटेंस इसको नेगेटिव फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा वी डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम इवनिंग में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। उसके बाद हमको जो पहले सेंटेंस में डू यूज़ किए थे उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या होगा डू जो है पहले चला आएगा, डू वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या हम इवनिंग में फुटबॉल खेलते हैं क्या। उसके बाद जो नेगेटिव फॉर्म था डू नॉट यूज़ किए थे उसको फिर क्वेश्चन में और एक सेंटेंस कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा डू वी नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या हम सब इवनिंग में फुटबॉल नहीं खेलते हैं क्या। नेक्स्ट नंबर फाइव, लायंस ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लायंस फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे और चार तरीके से यूज़ करेंगे सेंटेंस को, तो पहले डू यूज़ करेंगे, लायंस डू ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये पहले से प्लूरल सब्जेक्ट है लायंस, यानी कि लायन में एस यूज़ किया गया, बहुत सारे लायन को कहा गया है इसलिए इसमें डू यूज़ है, अगर सिर्फ लायन होता तो इसमें डज यूज़ होता। और एक सेंटेंस क्या होगा नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो लायंस डू नॉट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लायंस सारे जो क्या होता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, डू जो लगा था पहले सेंटेंस में उसको पहले ले आकर डू लायंस ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्या लायन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव फॉर्म में जो यूज़ किए थे डू नॉट ऐड करके उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा डू लायंस नॉट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लायंस ईट और वेजिटेबल नहीं खाते हैं क्या। नंबर सिक्स, यू टेल लाइस, तुम झूठ बोलते हो, तो इसमें हम और एक चार तरीके से हमें इस सेंटेंस को यूज़ करना है, तो क्या होगा यू डू टेल लाइस, पहले हम डू यूज़ करेंगे, और डू यू में क्यों यूज़ किया गया है, यू यानी कि तुम्हें कहा गया है, तो यू और आई में डू यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है, यू डू टेल लाइस। उसके बाद हम और एक सेंटेंस क्या करेंगे इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा नॉट यूज़ होगा, यू डू नॉट टेल लाइस, तुम झूठ नहीं बोलते हो। उसके बाद पहले जो हम डू यूज़ किए थे सेंटेंस में उसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा डू जो है पहले चला आएगा, डू यू टेल लाइस, क्या तुम झूठ बोलते हो। उसके बाद और एक सेंटेंस क्या होगा जो नेगेटिव सेंटेंस किए थे डू नॉट यूज़ करके उसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो यू डू नॉट टेल लाइस को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा डू जो है पहले चला आएगा, डू यू नॉट टेल लाइस, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो क्या। नंबर सेवन, वी लिव इन दिल्ली, हम सब दिल्ली में रहते हैं, तो पहले सेंटेंस क्या होगा इसमें डू यूज़ करेंगे, वी डू लिव इन दिल्ली। डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वी यानी कि हम सब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डू यूज़ किया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इसमें डज यूज़ किया जाता, वी डू लिव इन दिल्ली। उसके बाद हम और एक सेंटेंस क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा डू नॉट यूज़ करेंगे, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम सब दिल्ली में नहीं रहते हैं। और एक सेंटेंस क्या होगा हम इसको डू जो लगा था पहले सेंटेंस में उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा डू वी लिव इन दिल्ली, क्या हम दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद हम जो नॉट यूज़ किए थे नेगेटिव सेंटेंस उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा डू नॉट जो यूज़ हुआ था, डू वी नॉट लिव इन दिल्ली, क्या हम सब दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या। तो ये था आज का चैप्टर 13 वर्ब 1 विद प्लूरल सब्जेक्ट का एक्सरसाइज का डबल आई नंबर डिस्कशन। आज का आपका होमवर्क है, हम जो डबल आई नंबर डिस्कस किए हैं उसका क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।